वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें कि आप जी नूं पता है कि अज दे साडे जिहड़े दो विषय ने, पहला विशा रहिराज साहिब और टी ब्रेक तो बाद 12 माह माझ ते तुखारी और कल आसा की वार। आसा की वार असी दो जिहड़े ने दो लैक्चरां विच रखे है क्योंकि वड्डी बाणी है। ए दोनों चारों लैक्चर दो ए अज दे ते इक कल दा, तीनों लैक्चर डॉक्टर हरभजन सिंह जी पंजाबी यूनिवर्सिटी जिहड़े कि देहरादून डिप्यूट ने वो करनगे। इन्हां दी जिहड़ी जानकारी जिहड़ी है आप जी नूं है क्योंकि ये पहले फिलोसफिकल चार लैक्चर इत्थे करके गए ने। तो डॉक्टर साहब ने पहली गल तां मैं शुरुआत विच ही इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ कि इन्हां ने, क्योंकि हर वार कोर्स दे विच एक वार हाज़री भरते ने, इस बार असी इन्हां नूं बेनती की अज दूसरी बार साडे कोल आए ने, क्योंकि बाणियां दे उत्ते डॉक्टर साहब का बड़ा काम है। व्याकरण तां इन्हां ने बड़ा काम किया बाणियां दी, तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब नूं बेनती की सी। तक रहिराज साहब का है कि ये नितनेम की बाणी है। मेरी बेनती है, मैं हर वार जान के इत्थे बैठ के तुहाडे सामने अपने फोन जिहड़ा म्यूट कर दाँ कि तुसीं भी कर लो, प्लीज़ फोन म्यूट कर लो। मैं बंद करन लई नहीं कह रहा, म्यूट करन लई कह रहा। तो रहिराज साहब की गल कर रहे सी, रहिराज साहब नितनेम की बाणी है और सिख रहत मर्यादा अनुसार इस बाणी का पढ़न का जिहड़ा समय वो शाम वेले सूरज डुबन ते नियत होया। इसका नाम रहिराज किवें प्रचलित होया इस बारे कोई एक प्रमाण, कोई एक जो जिन्हों कहते अथेंटिक प्रमाण नहीं है कोई, सवाए इस दे के गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीरत हमरी रहिराज। रहिराज साहब के आकार की गल करिए ते गुरु ग्रंथ साहिब विच 9 शब्द ने रहिराज दे, और श्रोमणी कमेटी और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ी परवानत रहत मर्यादा है उस हिसाब कह रहे हैं कि 9 शब्द जिहड़े ने इन्हां नाल 9 शब्द जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे, फिर नाल जिहड़ी है कबियो बाज बेनती चुपई, फिर सवैया, फिर दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, और इस तों बाद आनंद साहिब दियां पहलियां 5 पौड़ियां, फिर मुंदावनी महला 5वां, फिर श्लोक महला 5वां, तेरा कीता जा तो नाई दिपड़न दी जिहड़ी है मर्यादा। और ये जिहड़ी मर्यादा इस तो ना कुछ घट और कुछ वध सानू करनी चाहिए, क्योंकि जिहड़ियां पंथ ने कुछ प्रवानत बाणियां बना दित्तियां रहत मर्यादा अनुसार उहदे पिछे मकसद इक्को है कि जिहड़ा साडा रिलीजन है, जिहड़ी साडी बाणी है, इहदे विच एक डिसिपलन रहे, एक मर्यादा रहे। सारी जिहड़ी पंथ दे विच बाणियां दे विच इक्को ही अगर एक सारता रहेगी तो उहदे विच मैं समझदा कि एकता का प्रतीक बनता है। हालांकि कई बार सुनने को आता है कि रहिराज साहब वध घट कई थावां ते गुटकियां विच भी तुहानूं मिल जाणगे, लेकिन सानूं प्रवानत रहत मर्यादा अनुसार जिहड़े श्रोमणी कमेटी और गुरु दिल्ली कमेटी वालों जिहड़ियां प्रमाणित रहत मर्यादा जिस हिसाब रहिराज साहब है सानूं एवें पढ़ना चाहिए। हुण मैं डॉक्टर हरभजन सिंह जी नूं बेनती करांगा कि उह आउण दी तरस आओ जी। परम प्रबुद्ध, परम विवेकी, गुरमत कॉलेज के कुशल संचालक, चेयरमैन साहब सरदार हरिंदरपाल सिंह जी, अज की इस सभा विराजमान बहुत ही
प्रबुद्ध श्रोता जनों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। मैनू सरदार हरिंद्रपाल सिंह जी ने यह आग्या की सी कि मैं ये दो दिन तुहाडे दर्शन करा, सो उन्हां प्रति आभार प्रगट करदिया मैं अपनी गल आरंभ करांगा, क्योंकि आप जैसे परम श्रेष्ठ, परम प्रबुद्ध, परम विचारवान गुरमुखां दी सभा विच दर्शन दीदार करने, ये मैं अपना एक बहुत वड्डा सौभाग समझदा हां, क्योंकि ये एक क्लास नहीं है मात्र सिलेबस पढ़ने वाली, ये एक ऐसा स्थान है जिथे गुरबाणी दे चिंतन का गंभीर मंथन हुंदा है और असी सूक्ष्म चीज़ां इत्थों लैके जांदे हां, बौद्धिक भी अध्यात्मक भी। सो इस करके ये मैं अपना आप सुभाग जानता हाँ तुहाडे दर्शन करना। मैनू ये पहली क्लास जी ये विषय प्राप्त होया है रहरास बाणी का। कदे कदे असी इस नूं सोदर रहरास कह दिंदे हां, क्योंकि सोदर इहदे मूल विच है, मुढ मूल तो जदों इस दा नाम अजे रह रास नहीं होएगा तदों इस नूं असीं सोदर कहिंदे सां, क्योंकि उस वेले इहदा इह सरूप भी नहीं सी। उस वेले शायद गुरु नानक साहब महाराज जी दा सोदर दा शब्द ही शाम वेले दा नितनेम होवेगा, सोदर तेरा कहा सो कर कहा जित वै सर्व संभाले। या असी ज़्यादा तो ज़्यादा ये कह सकते हैं कि सुन वड्डा आख है सब कोए ते आखा जीवां विसरे मर जाओ, शायद ये पढ़ लिया जाता होवे। भाई गुरदास साहब गुरु नानक साहब महाराज ने जिहड़ी मर्यादा कीरतपुर विच स्थित स्थापित कीती सी उहदे बारे उन्हां दा कथन है, सोदर आरती गावी है अमृत वेला जाप उचार। इस करके वह जिहड़ी चीज़ दे मूल विच सी सोदर, जिहड़ी हुण वी इस बाणी का आधार है जिथों असी आरंभ भी करते हाँ, तो उन्हों भी कदे कदे नाल जोड़ के असी इस नूं सोदर रहरास कह दें। सोदर दा बड़ा ओ दर, वाहिगुरू जी का दरबार। ये गल हैरानी वाली है कि वाहिगुरू जी नालों वाहिगुरू जी दे दर की गल पैना है। वाहिगुरू जी की गल पांच शब्द पढ़ के फिर सो पुरख की गल करांगे, पहला उसके दर की गल है। जे दर की गल करिए ता मैनू लगता भी इस लोक ये लोक जिहड़ा है उदा दर है, इस लोक विच उदा निवास है। स्थूल प्रकृति ये लोक ते इस तों परे लोक जितने भी हन, वह सारे दे सारे लोक जिहड़े ने उन्हां दी गल स्थूल लोकां दी तो गल रहरास दी आरंभ हुंदी। भाव यह वे कि सब तो पहली दृष्टि विच साधक ने यह वेखना है कि यह जिहड़ा लोक है वाहिगुरु जी दे दा निवास स्थान है, पहला ये मन के चलना है, क्योंकि इस तो बिना इंसानां नाल दूरी कदों वधेगी, जदों रब इस कुदरत तो दूर हुंदा जाएगा तां इंसानियत नालों प्रीत साधक की घटती जाएगी। जिन्हां जिन्हां लोगों ने इस कुदरत विच वाहिगुरु दे दीदार नहीं किते, जे उन्होंने साधना नहीं की तो वह साधना ने फिर उन्होंने अंदर अंकार जागृत कर दिता,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋਦਰ ਉਹ ਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਜਾਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥੂਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਦਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਰਹੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੇਸ਼ਟਾਵਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਕਿ ਨਵੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਦ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੋ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਰਾਸ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਔਂਕੁੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਰਹਿਰਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਰਹਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰਹਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ? ਵੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਹਿ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਰਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ। ਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਰਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਰਾਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੂਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਸ਼ੀ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਰਾਹ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਸਤਾ ਹੈ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪੂੰਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣੀ ਹੈ,
जिथे असी कहने भी जिथे बंदे नू ना उहदे नाल पानी होवेगा ना अन्न होवेगा ना कोई संगी साथी होवेगा उस मार्ग विच जिहड़ी पूंजी साडे काम आउण वाली है उस नू असी कहांगे रह रास रस्ते की पूंजी जिहड़ी जीवन विच सारा जीवन पर्यंत जिहड़ा है जीवन का पंध है इहदे विच संग है ते साधक जिहड़ा है उहदे इत्थों इंसान तो देवता बनन तक देव पुरश दिव्य पुरश अकाल पुरख में अभेद होने तक जी राह की पूंजी है उन्होंने असी कहे रह रास। हूँ एक होर चीज़ फिर इस रह रास का अर्थ परिवर्तन होया ये भी ध्यान रखना पवेगा। रह रास गुरु ग्रंथ साहब तो पहला नाथ पंथ के ग्रंथों में मिलती है। नाथ पंथ के ग्रंथों में दो चीज़ां मिलदियां ने एक तो सोहला मिलता है एक सानू प्राप्त होंदी है रह रास उन्हां दी भी बाणी है। हुण ये उन्हां कोल पहला सी या साडे कोल पहला सी इस विवाद विच ते पैण दी लोड़ ही नहीं है क्योंकि वैसे तो गोरखनाथ गोरख बाणी जिहड़ी है गुरु साहब दे काल तो गोरख पहला होए ने कोई समझो कि पौने 500 साल या 500 साल पहला गोरखनाथ होया गुरु नानक साहब महाराज तो परंतु ये चीज़ा इधर उधर नाम जड़े ने जा सकते हैं परंतु उन्हां दी बाणी अपनी है साड़ी बाणी अपनी है नाम जड़ा रह रास उन्हां भी वरत्या असी भी वरत्या है। पर एक चीज़ कि यह रह रास की परंपरा गुरु जी दे टाइम तो पहला दी है गुरु जी दे वक्त तो पहला दी है। असी जो बाणी पढ़ांगे तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो एक गल बहुत ध्यान नाल ये गुरु ग्रंथ साहब विच इतनी सूखमताइया हैं कि साडा मन साडी बुद्धि उन्हू सोच के जे सोचे तो हैरान हो जाए बस इतना ही है पहुँच नहीं सकती उत्थों तक थोड़ा जहाँ दर्शन करके कि इतनी सूखमता भी हो सकती है। गुरु जी ने सिद्ध गोष्ठ बाणी लिखी सिद्ध नाथ योगी इन्हों का सिद्ध गोष्ठ नाल सीधा संबंध है। क्यों सीधा संबंध है क्योंकि भंगर नाथ ते चरपट नाथ वर्गे नाथपंथी लोग जड़े ने वो इस गोष्ठी विच शामिल ने तो नाथपंथियों का यह शब्द है रह रास उन्होंने कोल है पहला। हुण गुरु जी ने जदों सिद्ध गोष्ठ की जिहड़ी सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो ते सागे रह रास मारी साचा अपर पारो इत्थे रह रास गुरु नानक देव महाराज साहब ने शब्द वरत लिया। इत्थे असीं अगर ये अर्थ लावांगे तो हर हालत में अर्थ ये बनते ने कि ये संतां दी सभा जिहड़ी है जिहड़ी गोष्ठी करन लई रब दीआं गल्लां करन वास्ते एकत्र होए संत ने मैं इन्हां नूं नमस्कार करदा प्रणाम करदा हाँ तो अर्थ स्थापित की हो गए रह रास से प्रणाम। हुण ये प्रणाम अर्थ किवें बन गया शब्द जिहड़ा सी उहदे अर्थ सन रस्ते की पूंजी तो हो गया प्रणाम। ये इस तरह हुए कि जदों कोई साधक अपने गुरु दे कोल जांदा है फिर वो तन संतन का मन संतन का तन संतन का किया कहिंदा जी मेरा तन मन धन सब कुछ तुहाडे मेरे जीवन में जो कुछ मेरे कोल है मैं सब कुछ तुहाडे अर्पित करता हाँ। एक कमिटमेंट है एक शिष्य दी अपने गुरु दे प्रति एक कमिटमेंट है कि मैं सब कुछ तुहानू सौंपिया है। तो जदों सिख अपने गुरु कोल जांदा है मत्था टेकदा है तो उहदा भाव यह है कि मैं अपना सब कुछ मेरा कुछ नहीं है मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा ये मत्था टेकन पिछे उहदा भाव है कि मैं सब कुछ तुहानू सौंपिया है। जदों यह कह दिता कि मैं अपने जीवन की सारी पूंजी ही तुहानू सौंप दी है बल्कि जीवन ही सौंप दिता तो जीवन की पूंजी भी आ गई तो वह जीवन की पूंजी सौंपन जिहड़ा सी ओ प्रणाम बन गई जिवें आदेश शब्द है
आदेश, आदेश तिसै आदेश, सीधा मतलब आदेश का मतलब है हुक्म। परंतु ये हुक्म प्रणाम किवें बन गया? आदेश तिसै आदेश असी कहने जी तेनू प्रणाम है परमेश्वर जी, उस वाहिगुरु जी प्रणाम है, आदेश का प्रणाम बन गया। ये किवें बनया? क्योंकि जदों भी शिष्य खास करके योगी लोग अपने गुरु पास जाते तो हाथ जोड़ के कहते आदेश की हुक्म है, जदों उन्हां तो रुखसत होना है, आग्या लैनी है, तो गुरु जी आदेश आग्या दो जावा। तो ये आदेश क्योंकि मिलन समय विछड़न समय आदेश आग्या लैन लई वरत्या जांदा सी, इस करके इसते अर्थ भी की हो गए प्रणाम हो गए। इस तरह रह रास से अर्थ जिहड़े ने ओ प्रणाम कर लै गए। तो ये असी जे इस नूं प्रणाम कह लिए जां असी अपने जीवन की पूंजी कह लिए, दोवां दे कोई आप विच अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि दोवें एक दूजे नाल अर्थ भाव करके जुड़े हुए ने, एको ही शब्दों तो दोवां दा निर्माण होया है। इस करके इन्हां जे अर्थ ये कर लिए जां वो कर लिए, इन्हां दे विच दुविधा विच पैण की कोई जरूरत मैं समझदा नहीं। रहरास जिहड़ी बाणी है ये जिवें कि सत्कारयोग चेयरमैन साहब ने दस्या सी कि एक कंपाइल्ड बाणी है, तो जिहदा समें नाल विकास होया है। समें नाल विकास किवें? कि जिवें असीं पहलां गल कीती सी कि पहलां तां शब्द ही इहदे च वध तों वध पहली पातशाही दे होणगे, वह भी सीमित जे शब्द होणगे, मगरों चौथी पातशाही दे शब्द जुड़ गए, फिर पंचम पातशाह जी दे जुड़ गए। तो बाणी जिहड़ी है कहो नानक अवनीज करमा शरण परे की राखो शर्मा, इत्थों तक एक बाणी बन गई। कदों तक इत्थों तक बाणी बन गई? जदों तक श्री आदि ग्रंथ जी की पहली संपादना हुई सी। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पहली बीड़ जिन्हों असी आदि बीड़ कहने वो तैयार करवाई सी, तो वो नौ शब्द जिहड़े सरदार हरिंद्रपाल सिंह जी ने दस्या सोधर नाल लगे हुए, चार होर शब्द ते सोपुरख नाल लगे हुए तीन होर शब्द, ये नौ शब्द जिहड़े सन ये गुरु ग्रंथ साहिब विच जप बाणी तो बाद ये नौ शब्द दो सिरलेखां अधीन, सोधर दे सिरलेख अधीन ते सोपुरख दे सिरलेख दे अधीन जिहड़े ने ये शब्द अंकित करके एक बाणी जिहड़ी है वो एक रूप धार गई, जिहदे कि नौ शब्द जरूर निश्चित सन कि ये नौ शब्द जिहड़े ने ये शाम मेले दा साडे नितनेम बन गया। उस तों बाद मैनूं ये लगता कि जिहड़ी कवे उह बात बेनती च पई है, पहला पहल सिख क्योंकि इस बाणी नूं खास करके भीड़ दे समें च बहुत पढ़दे रहे होणगे, सिख संकट काल विच बहुत ही पढ़ी जाती होएगी चौपाई, जिवें अज भी असीं वेखते हाँ कि 84 का जिहड़ा संकट आया कई गुरुद्वारों में नितनेम च शामिल हो गए, उदों ये शुरू किया हमरी करो हाथ दे रक्षा कि चलो ये भी अखीर से पढ़ ली जाए, तो तदों भी कई गुरुद्वारों का नितनेम जी नितनेम में ही शामिल हो गई है कि सवेरे वेले ये दीवान की समाप्ति से यह बाणी पढ़नी है। ये बाणी सिख पहला सुतंत्र रूप में पढ़ते होंगे, परंतु एक विहार बन गया, एक विधि बन गई, एक मर्यादा बन गई कि नौ पौड़ियाँ रह रास्तियाँ पढ़ के फिर कवि उबाज बेनती चौपाई दसवें पातशाह की पढ़ ली जाए। एक फीलिंग ये रही कि दसम पातशाह के नाल सिखां दा स्नेह, उन्हां दे बचना नाल स्नेह, उन्हां प्रति सिख की कमिटमेंट इतनी ज़्यादा सी कि सिख ने हर स्थान पर वेख्या कि जेकर बाकी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ते हैं तो दसम पातशाह की बाणी भी नाल होनी चाहिए है। उन्होंने जे सवेरे का नितनेम सी तो सवेरे के नितनेम भी जप जी तो बाद जाप पढ़ना तो फिर सोइए पढ़ने, ये अपना धर्म मान लिया सिख ने। इस करके मैनूं लगता है कि ये कवे उबाच बिनती चौपाई जी है ये अमृत की बाणी भी बन गई, तो फिर अमृत की बाणी है इस करके शाम वेले इस नूं पढ़ लिया जाए, ये एक स्वतंत्र रूप में पढ़द्या पढ़द्या हौली हौली रहरास का अंग बन गई।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਸੂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਾਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋ ਪਰੋ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋ, ਇਹ 2 ਸਲੋਕ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਵਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਭੂਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੋ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋਗੁਣ ਨਾਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਆਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਹਿੰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੋ ਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 9 ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤੇ, ਮਗਰਲਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਂਛਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ, ਅਵਾਂਛਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਤਨੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 500 ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉਮਤ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੰਬਰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ ਹੈ
कि असी उस धर्म कंप्लीकेटिड करते जाने गुंजलों में जिमें एक मकड़ी जाला बुनती है वो साड़ी स्थिति ये होंगी है कि असी कर्म का जाल ऐसा बुनते जाते हैं वो आप फस जाते हैं तो धर्म नाल भी वही काम करते हैं। इस करके जदों सिखा ने देखा कि ये पसारा असी आप ही कर लिया तो उन्होंने निश्चित कर दिया कि इतने कु शब्द जोड़े ने इतों तक ये नितनेम मन लिया जाएगा।